भजन संहिता 143 और उसका पांचवां वचन। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मुश्किल हालातों में, परेशानी के दिनों में, संकट के दिनों में हमें क्या करना चाहिए। भजनकार दाऊद कहता है कि मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों को ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं। यदि हम इस पूरे भजन संहिता को पढ़ें तो भजनकार दाऊद एक संकट में है, एक परेशानी में है और वहां से उसे छुटकारा चाहिए और उस परेशानी से छुटकारे के लिए भजनकार दाऊद परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है। प्रार्थना के साथ साथ वो एक बात करता है और वो क्या करता है, अपने प्राचीन काल के, अपने पुराने दिनों को याद करता है। उन पुराने दिनों में वो क्या बात याद करता है, वो परमेश्वर के अद्भुत कामों को याद करता है। परमेश्वर ने जो पिछले दिनों में दाऊद के साथ में जो अद्भुत काम किए हैं, उन कामों को दाऊद क्या कर रहा है, वो उन बातों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है और उन पे मनन कर रहा है, उन पे ध्यान कर रहा है और उन कामों को क्या कर रहा है, सोच रहा है। और जबकि इस समय कहां है वो, संकट में है, इस समय वो मुसीबत में है, इस समय वो प्रॉब्लम में है, इस समय वो परेशानी में है, परंतु वो किन दिनों को याद कर रहा है, जब परमेश्वर ने उसके साथ में भलाइयां की। परमेश्वर की भलाइयों को वो याद कर रहा है कि परमेश्वर ने कितनी बड़ी बड़ी भलाइयां मेरे जीवन में की हैं, वो उनको स्मरण कर रहा है, उनको याद कर रहा है, उन पर मनन कर रहा है। हम में से बहुत सारे लोग जब दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, जब संकट में होते हैं, जब क्लेशों में होते हैं, जब मुसीबतों में होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, तो वो अपनी मुश्किलों पर ज्यादा फोकस करते हैं, अपनी परेशानियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं बजाय परमेश्वर पर ध्यान देने के। वो अपनी मुश्किलों पर, अपनी परेशानियों पर, अपनी बीमारियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु दाऊद ऐसा नहीं कर रहा। दाऊद उस संकट के समय में, उस परेशानी के समय में, उस मुसीबत के समय में परमेश्वर की भलाइयों को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। परमेश्वर ने जो उसके जीवन में अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, वो उनको याद कर रहा है और याद कर रहा है, जब परमेश्वर पहले मेरे लिए कर सकता है तो वो आज भी मेरे लिए कर सकता है, जब वो पहले मुझे संकट से निकाल सकता है तो वो आज भी मुझे संकट से निकाल सकता है, जब वो पहले मुझे परेशानियों से निकाल सकता है तो आज भी मुझे क्या कर सकता है, परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। दाऊद परमेश्वर की भलाई को क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है। एक और वचन हम लोग निकालेंगे, भजन संहिता 77 उसका 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा और निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। समझ रहे हैं, यहां पर भी सेम वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को, जो आश्चर्य कर्म उसने मेरे पुराने जीवन में किए हैं या फिर प्राचीन काल में और लोगों के साथ में किए हैं, उनको मैं क्या करूंगा, याद करूंगा, उनका मैं प्रचार करूंगा और उनको मैं स्मरण करूंगा, उन पे मैं मनन करूंगा। जबकि इस समय भी वो संकट में समझ रहे हैं, वो संकट में है, वो परेशानी में है, वो दुख में है, वो मुसीबत में है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर ध्यान कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम ये हैं। दाऊद इन बातों को याद करता था, उसका विश्वास और बढ़ता था कि जब परमेश्वर पहले कर सकता है वही परमेश्वर आज मेरे लिए भी कर सकता है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने वैसे ही चमत्कार फिर ये, वैसे ही अद्भुत काम उसे फिर किए। परमेश्वर ने उसे संकट से निकाल दिया, परमेश्वर ने उसे उस मुसीबत से निकाल दिया, उस परेशानी से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की भलाइयों को क्या रखा, याद रखा, स्मरण रखा, उनके लिए उसने उन पर मनन किया, उनका ध्यान किया, उनको उसने प्रचार
किया। और जब हम परमेश्वर की भलाई को प्रचार करते हैं, जब हम परमेश्वर की भलाई को स्मरण करते हैं, उस पर मनन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है। हमें हर एक संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर यूं ही हमें बाहर निकाल देगा। उसका विवरण 8:2, मूसा इसराइलियों को यह आज्ञा दे रहा है कि और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए लेकर आया। क्या कर तू? उस बात को क्या रखना? याद रखना कि परमेश्वर ने तेरे लिए लाल समुद्र को दो भागों में कर दिया, परमेश्वर ने तेरे लिए मिस्री सेना को नाश कर दिया, परमेश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया, परमेश्वर ने तेरे लिए पानी की व्यवस्था की, कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने अद्भुत अद्भुत काम किए हैं। उन सब कामों को तू क्या रखना? स्मरण रखना, याद रखना, उन पर मनन करते रहना। मेरे प्रियो, जब कभी हम ऐसी परेशानी में पड़े, ऐसी मुसीबत में पड़े, ऐसे दुख में पड़े, ऐसे संकट में पड़े, तो उस समय अपना ध्यान अपनी परेशानी की ओर न लगाएं, अपनी मुसीबत की ओर न लगाएं, अपने संकट की ओर न लगाएं, अपना ध्यान परमेश्वर की भलाई की ओर लगाएं, जो उसने पहले आपके जीवन में की है और लोगों के जीवन में की है। उन अद्भुत कामों की ओर अपना ध्यान लगाएं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तब परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कामों को फिर से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पहले, आज और हमेशा एक जैसा है। जो वो उसने इसराइलियों के लिए किया, वही वो हमारे लिए भी कर सकता है। ऐसा करने से हमारा विश्वास मजबूत, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? उन अद्भुत कामों को करेगा। उस संकट से, उस दुख से, उस परेशानी से परमेश्वर हमें बाहर निकाल देगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि जब भी हम संकट में हों, जब भी हम परेशानी में हों, जब भी हम मुसीबत में हों प्रभु, तो हम अपनी परेशानी की ओर ज़्यादा ध्यान न करें प्रभु, उन परेशानियों को याद न करें, उन परेशानियों का प्रचार न करें, बल्कि प्रभु हम तेरे उन भले कामों का प्रचार करें, तेरे उन भले कामों को जो तूने अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं और पुराने लोगों के जीवनों में किए हैं, उन गवाहियों को हम याद रखें और उन पर स्मरण करें, उनको स्मरण करें, उन पर मनन करें और उनका वर्णन करें प्रभु, तब तू हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तब तू प्रभु हमारे लिए अद्भुत कामों को करेगा, क्योंकि तू हमेशा एक जैसा है। जब तू उन लोगों के लिए कर सकता है तो तू हमारे लिए भी कर सकता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज दुख परेशानी और संकट में पाए जाते हैं प्रभु, पिता आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु जी, और उन्हें वो शक्ति दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें प्रभु, कि वो तेरी भलाइयों को याद रख सकें प्रभु, तेरी भलाइयों को न भूलें बल्कि उन्हें याद रखें। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने पहले उनके जीवनों में किया, उसी प्रकार आप आने वाले दिनों में भी उनके जीवनों में उस उन अद्भुत कामों को करें प्रभु, और उन्हें उन संकट से, उन दुख से, उन परेशानियों से, उन मुसीबतों से आप बाहर निकालेंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।